नमस्कार लुधियाना, प्रत्न डांस एकेडमी की ओर से एक बहुत ही अनोखे अनूठे डांस शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है नाच 2018। इस बारे में प्रत्न डांस एकेडमी के डायरेक्टर कुणाल जी ने बताया कि ये बहुत ही अनोखा डांस शो होगा, जिसमें 3 साल से लेकर 25 साल से भी ऊपर के उम्र के लोग भाग ले रहे हैं। ऋतु चांदना जी, जो इस प्रोग्राम की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया कि ये एक सफ़र है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का, एक ऐसे इंसान का जो बड़ी ही शिद्दत से अपने प्यार को पाने की चाह रखता है और उसके लिए हर बुराई से लड़ता है, हर मुश्किल का सामना करता है। इनके साथ उमा गुप्ता जी, रोमिला जैन जी, सौरभ जैन जी, प्रियंका सूद, शिवाली सिंगला, ज्योति अरोड़ा और अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये अनोखा डांस शो लुधियाना में पहले कभी नहीं हुआ। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सिर्फ आप अपने सपनों में ही जा सकते हैं। तो लुधियाना आइए और एक बहुत ही अनदेखे रियलिटी शो का हिस्सा बनिए। 29 नवंबर 2018 को गुरु नानक देव भवन में ठीक शाम 6:30 बजे मिलते हैं आपको वहीं पर। धन्यवाद। नमस्कार लुधियाना, मैं ऋतु चांदना, मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रयत्न डांस एकेडमी की तरफ से आप सबको इनविटेशन दे रही हूँ नाच 2018 का, जो 29 नवंबर गुरु नानक भवन में शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होगा। ये एक सफ़रनामा है जिसमें हम बच्चों के ज़रिए, बच्चों के डांसेस के ज़रिए आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएंगे जहाँ हम हर चीज़ यू नो इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, जैसे हम लोग उसी तरह की ज़िंदगी हम लोग दोबारा से आपको जीने की एक चाह दिखाएंगे, कैसे हर ऑब्स्टेकल को पार करके एक हीरो अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी ड्रीम को पाने के लिए मेहनत करता है, उस चीज़ का है ये सारा डिटेल में सफ़रनामा। पहली बार होने जा रहे हैं ये, बिल्कुल पहली बार होने जा रहे हैं। बहुत ही नया कंसेप्ट है जो कुणाल सर लेके आ रहे हैं प्रयत्न डांस एकेडमी के बच्चों के साथ। एंड यहाँ पे 3 साल से लेकर 25 साल 26 साल तक के बच्चे हैं। और एक सरप्राइज़ है जो मैं चाहती हूँ कि पूरा लुधियाना विटनेस करे, हाँ उसी दिन विटनेस करे, एंड दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज एंड इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल आउट हियर। खासतौर पे बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहूँगा? बच्चों के पेरेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि जिस हिसाब से आपके बच्चों में टैलेंट है, प्लीज़ उनको ग्रूम करने के लिए परमिशन दें, उनको ग्रूम करवाएं, नॉट बिकॉज कि सिर्फ पैसा लगता है, टाइम लगता है, अंडरस्टैंड, बट लेकिन उनकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, इनर डिज़ायर्स हैं उनकी, उनको प्लीज़ बकअप करें, उनको इनक्रेज करें कि वो आके अपने डांसेस, अपने किसी भी कैलिबर में जिसमें वो अपना फोटे समझते हैं उसको बढ़ावा दें। थले ऊपर एक बार ले लो, आ जाओ तुसी भी, आ जाओ। जी क्या कहना चाहोगे जो आज की ब्लेसिंग? नमस्कार लुधियाना, मैं कुणाल द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ प्रयत्ना। एक बार फिर से आप लोगों के प्यार ने और आपकी ब्लेसिंग ने हमें मौका दिया कि एक बार हम फिर अपने ईयरली एनुअल कॉन्सर्ट को आपके सामने लेके आए, जो कि 29 नवंबर को गुरु नानक देव भवन में होने वाला है। जैसे कि नाच 2017 को लुधियाना ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, बच्चों के टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया और हमें मौका दिया कि हम उस टैलेंट को और निखार पाएँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर हमने 52 समथिंग बच्चों के साथ किया था नाच 2017, और इस बार 86 बच्चों के साथ करने वाले हैं, जिसमें मिनिमम एज ग्रुप रहेगी 3 ईयर्स और मैक्सिमम दैट इज़ अ सरप्राइज फॉर लुधियाना। उम्मीद करते हैं कि वो आपको पसंद आएगा। नाच 2017 में हमने वेरियस डांस स्टाइल्स और बच्चों के आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हमने एक कंपोज की हुई कोरियोग्राफीज़ की थी, बट इस बार हम कुछ और कर रहे हैं। कहानियाँ, किससे, कल्पनाएँ, बहुत लोग सोचते हैं, समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो कैसा होता, बस कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेके इस बार प्रयत्न कोशिश कर रहा है। एक ऐसी थीम, मतलब एक ऐसी जर्नी, एक स्टोरी है जो हम लेके आएंगे आप लोगों के सामने, अलग अलग वेरियस किरदारों को एक धागे में पिरो के एक माला को तैयार करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसकी रोशनी कितनी ज़्यादा चमकती है। सो उम्मीद करेंगे एक बार फिर से 2017 की तरह एक बार फिर हम रेडी हैं 2018 में 29 नवंबर गुरु नानक देव भवन ऑडिटोरियम में। जो हमारी थीम है वो है सफ़र, और ये सफ़र क्या है ये मैं चाहूँगा कि लुधियाना वहाँ आके ही देखे, क्योंकि हम पहले बताएंगे तो शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आइए, आप देखें हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, बच्चों के काम को सराहें, उनको अप्रिशिएट करें और
यू आर द बेटर जज। कहां कहां से आ रहे हैं बच्चे? ये जितने भी बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं ये सिर्फ प्रार्थना के ही स्टूडेंट्स हैं, हम कोई आउटर नहीं है। ये बच्चे यहीं ग्रूम करते हैं थ्रू आउट द ईयर, सीखते हैं, इनके स्किल्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सो दैट एज अ परफॉर्मर भी इनका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। और ये बच्चे इतने क्यूरियस हैं इस बार कि मतलब हमें स्टेज पे जाना है, हमें स्टेज पे जाना है। तो मिनिमम एज ग्रुप इज 3, जिसको मैं हम नहीं करते, हमें लगता है कि शायद इतनी बड़ी सेटअप्स होते हैं, कंसोल्स होते हैं, उसमें शायद बच्चे कहीं खो जाए, बट नहीं, दिस आर रिस्क फॉर अस ऑल्सो। लेट्स सी, अभी तक तो बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग मिनिमम एज है 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम दैट इज़ अ सरप्राइज फॉर लुधियाना। सो मैं चाहूँगा प्लीज़ 29th ऑफ नवंबर को अपने सारे काम का जो है एक घंटे का ब्रेक लेके गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में इवनिंग 6:30 शार्प।